हरा भरा मैं देख रहा हूँ। सर एक कोई गिरोह पकड़ाया गया है आधार कार्ड। जी सर, वरिष्ठ कार्यालय में एक महिला ने शिकायत की थी कि वो पते पे रहती है और उक्त पते पे उसका जो है एक आधार कार्ड नया आया है जिसमें उसकी फोटो नहीं है और उसका मोबाइल नंबर भी मैच नहीं करता है। आधार कार्ड जैसा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा दस्तावेज होने से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरतापूर्वक जांच करने के निर्देश इसमें दिए गए। शिकायत का परीक्षण क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा किया गया। जांच में आधार कार्ड का फैब्रिकेशन करके नकली दस्तावेज बनवा के उसका उपयोग महिला के नाम से प्रॉपर्टी को हड़पने के चक्कर में किया गया था। इस पूरे ग्रोह का पर्दाफाश किया गया। इसमें अभी तक 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। सर पिछले दिनों बाणगंगा में भी इसी प्रकार का एक लोगों को पकड़ा गया था, क्या इनका उनसे कोई कनेक्शन सामने आया? अभी प्राइमा फेसी इनसे पूछताछ जारी है, जैसे भी फैक्ट्स आते हैं सामने उसके आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन होगा। आरोपी कौन है सर, कहां है, कौन है, क्या बैकग्राउंड? इसमें जो आरोपियों को अरेस्ट किया गया है उसमें प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं। इनको जो है ये एक प्रॉपर्टी का दस्तावेज महिला का कहीं से प्राप्त किया, आईडीए में उसके नाम पर एक प्लॉट है, एक महिला को खड़ा करके कि ये महिला जो है इस प्रॉपर्टी की हकदार है और उसका नकली आधार कार्ड फैब्रिकेट करके इन्होंने उस प्रॉपर्टी को फुटबुर्द करने का प्रयास किया है। सर कोई कलेक्टर या जहाँ से बनते हैं भी अभी आपको बताया है कि इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ जारी है, आगे जो फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। महिला उधर कहते हैं इन्होंने कनेक्टिविटी अपने बातों में लिया था, कहते क्या महिला से इनका संपर्क हुआ था कुछ नहीं, अभी ये सब पूछताछ जारी।